एक्सेल के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि आप किस तरीके से टेक्स्ट या डेट्स को या नंबर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट सेल्स इनटू वन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये स्क्रीन हाजिर है, ये स्क्रीन हम किस तरीके से लेके आए और ये कौन सी शीट है मैं आपको दिखाता हूँ। आप अगर फाइल कोई नई स्टार्ट करना चाहें तो ये फॉर्मूला ट्यूटोरियल के अंदर आपने चले जाना है, जैसे कि मैं ऑलरेडी फॉर्मूला ट्यूटोरियल में, और ये वाली शीट जिसमें ज्वाइन टेक्स्ट एंड नंबर्स लिखा हुआ है यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, ज्वाइन करने के लिए आपको एंड का सिंबल यूज करना पड़ता है, विच लुक्स लाइक दिस। ये एंड का सिंबल यूज करना पड़ता है दो चीजों को ज्वाइन करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है, यहाँ पे हमने इन दोनों को ज्वाइन किया है। तो अगर मैं यहाँ पे भी ज्वाइन करना चाहूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इक्वल टू दबाना है, सेल को सिलेक्ट करना है जिसको आपने ज्वाइन करना है, एंड दबाना है, दूसरे सेल को सिलेक्ट करना है और आपकी ज्वाइनिंग हो गई है। लेकिन अगर आप गौर करें तो यहाँ पे सेंटर में इसके स्पेस होनी चाहिए जो हमने यहाँ पे नहीं डाली। और अगर आप गौर करें, स्पेस डालने के लिए आपको कोई भी चीज इन्वर्टेड कोमा में लिखनी पड़ेगी। इन्वर्टेड कोमा के अंदर अगर स्पेस भी होगी तो एज इट इज वो उठा के इसके अंदर आ जाएगी। जैसे अगर मैं एंड के बाद स्पेस डाल के एंटर करूंगा तो ये कोई स्पेस नहीं डाली। अगर मैं एंड से पहले स्पेस डालता हूं, स्टिल इसने कोई स्पेस नहीं डाली। इसका मतलब ये है कि मुझे एंड के बाद इन्वर्टेड कोमा डालने हैं और इनके दरमियान एक स्पेस देनी है जो मैंने दे दी, और इसके बाद D4 के बाद पहले भी एंड लगाना है, एंड दिस इज ऑल यू विल पुट अ स्पेस। अब आप चाहते हैं कि स्पेस नहीं, मुझे कॉमा भी चाहिए साथ में, तो आप यहाँ पे कॉमा और उसके साथ स्पेस दे देंगे एंड दिस विल वर्क लाइक दिस। और यहाँ पे आप इसी चीज को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या नया लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू एंडी, यहां पे लगाएंगे एंड इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर स्पेस, सॉरी एंडी के अंदर इन्वर्टेड कॉमा स्पेस एंड, और आपके पास नॉर्थ आ गया। तो ये आपके पास नाम आ गया। यहां पे जो थी हमारे पास चीज इक्वल टू दिस वन एंड, सॉरी नॉट दिस वन, इक्वल टू दिस सेल, इक्वल टू दिस सेल एंड दिस सेल, इससे पहले हमने एक एंड और लगाना है और इसके दरमियान इन्वर्टेड कोमा के साथ कोमा स्पेस डाल के इस तरीके से लगा देंगे। अब इनको सभी को सिलेक्ट करके हम नीचे भी ले आएंगे तो दिस विल बी ऑटोमेटिकली कॉपीड टू द अदर सेल। एंड इस तरीके से आप दो नामों को सेपरेट भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अगर गौर करें, हमारे पास एक है डेट का कॉलम और एक हमारे पास है टूडेज डेट टेक्स्ट लिखा हुआ है, और ये यहाँ पे हमारे पास दूसरी चीज लिखी हुई है। अब सिंपली इनको ज्वाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन इक्वल टू लगाएंगे जिस सेल में हमने ज्वाइन करना है। इक्वल टू लगाने के बाद ये वाला सेल एंड ये वाला सेल, तो ये हमारे पास सिंपली ज्वाइन हो गए। लेकिन अगर आप गौर करें, ना तो इन दोनों के दरमियान स्पेस है ना कुछ और, तो हम स्पेस भी लगा सकते हैं जैसे हमने पहले लगाई थी, एंड लगाने के बाद इन्वर्टेड कोमा के सेंटर में स्पेस, एंड यू विल सी नाउ द स्पेस जो हमारी लेफ्ट साइड पे वही राइट साइड पे आ गया। सेम इसी चीज को मैं नीचे ड्रैग करता हूं एंड इट विल ऑटोमेटिकली वर्क ऑन दीज टू सेल्स। ऊपर दोनों सेल्स की जो क्वांटिटीज थी वो नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करके आ गई। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। लेकिन अगर आप देखें गौर से तो जो हमारे पास नंबर है यहाँ पे, डेट फॉर्मेटिंग जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, वो जनरल पे है एंड इट शुड बी डिफरेंट देन दिस वन। ठीक है, जो यहाँ पे नंबर आ रहे हैं इट शुड लुक लाइक दिस। तो हम इसको कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, अगर आप इक्वल टू लगाएं, बल्कि ये वाला जो फॉर्मूला है इसी को हम यहां पे रेप्लिकेट करते हैं, इक्वल टू टुडेज डेट एंड और इन्वर्टेड कोमा, फिर इन्वर्ट स्पेस, फिर इन्वर्टेड कोमा, फिर एंड, फिर हम यहां पे लिखते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट लिखने के बाद हम यहां पे वैल्यू देंगे, कोई भी वैल्यू जैसे ये वाली वैल्यू है, कॉमा लगाएंगे। अब हमने यहां पर इन्वर्टेड कोमास के अंदर इसका फॉर्मेट लिखना है, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, यहां पे हमने इन्वर्टेड कोमा के अंदर इसका फॉर्मेट लिखना है। जो फॉर्मेट किस तरीके से आएगा मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने फॉर्मेट लिखना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेट डेट स्लैश मंथ मंथ स्लैश ईयर 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 एंटर एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। इसके बाद हमने ब्रैकेट भी बंद करनी थी जो मैंने नहीं की, ऑटोमेटिकली उसने कर दी है एंड दिस इज हाउ योर स्क्रीन लुक लाइक। अब आप देखें गौर से, टूडेज डेट 19/7/2024 आ गया। सेम चीज को अगर मैं नीचे ट्रैक करूंगा इट विल ऑल्सो शो मी लाइक दिस एंड दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ टाइम। अब आप अगर गौर करें तो टाइम की जो फॉर्मेटिंग है वो डेट की तरह नहीं होती, तो हमने टाइम की फॉर्मेटिंग को डिफरेंट करना है। और इसकी फॉर्मेटिंग क्या होती है अगर आपको पता हो, पहले होते हैं आवर्स आवर्स, कॉलन, मिनट्स मिनट्स एंड दैट्स इट। ये हमारे पास आ गई 19/25। अगर आप गौर करें, आप इसको AM/PM करेंगे तो वो खुद ब खुद चेंज हो जाएगा AM/PM एंड हियर यू गो, तो आपके पास AM/PM आ गया।
सो इस तरीके से आप अपने टाइम को ज्वाइन कर सकते हैं और इस तरीके से आप नंबर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं. एंड दिस इज द वे टू ज्वाइन सम अदर काइंड ऑफ टास्क एज वेल, जिसमें आपके पास टेक्स्ट भी है, जिसमें आपके पास नंबर्स भी मौजूद है. ठीक है, आप यहाँ पे भी अगर फॉर्मेटिंग कर देते हैं साथ साथ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप इन जो दूसरे वाला कॉन्कैटिनेट करना है, टेक्स्ट लिख के उसे कॉन्कैटिनेट करते हैं समथिंग लाइक दिस, देन इट विल बी वर्किंग फाइन, और इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं. दिस इज हाउ यू कैन ज्वाइन द टेक्स्ट. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. एक्सेल को मास्टर करते रहें और सीखते रहें. एंड डाटा एनालिस्ट बूट कैंप के रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो 3 माह का कोर्स है, जून जुलाई अगस्त 2024 का, और ये टोटली आप ऑनलाइन LMS सिस्टम के थ्रू 3 माह में सीख सकते हैं. See you in the next one. Take care. Allah Hafiz. Subscribe कर दीजिएगा.